नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण और आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। 14 सितंबर 1949 को भारत की संवैधानिक सभा में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया था और हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा भी घोषित किया गया था। तब से लेकर इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया है। भारतीय संविधान के मुताबिक देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को पहले भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के तहत अपनाया गया था। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। आज ही के दिन 14 सितंबर 1833 में विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। पहले वह मद्रास का गवर्नर बनकर भारत आया था। उसका शासन काल अधिकांश शांति का काल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय रियासतों के मामले में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। बेंटिक ने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से संधि भी की थी, जिसके द्वारा अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध के मार्ग से व्यापार को बढ़ावा देना स्वीकार किया था। विलियम बेंटिक के भारतीय समाज में किए गए सुधार आज भी प्रसिद्ध है। सती प्रथा को समाप्त करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अपने शासनकाल के अंतिम समय में वह बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। आज ही के दिन 14 सितंबर 1960 में खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 14 देशों का संगठन है। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, इक्वाडोर, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो इसके सदस्य हैं। ओपेक के अस्तित्व में आने के बाद शुरुआत में 5 वर्षों तक इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था, किंतु 1965 में इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थानांतरित कर दिया गया। आज ही के दिन 14 सितंबर 1959 में लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा था। यह चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु थी। इसने सोवियत संघ और अमेरिका में अंतरिक्ष स्पर्धा की शुरुआत की। 11,500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय करने के बाद चांद पर उतरते समय यह क्रैश हो गया था। चांद पर पहुंचने के लिए लूना 2 रूस का 6ठा प्रयास था। इनमें शुरुआती 3 प्रयास उड़ान के वक्त असफल रहे और लूना 1 चांद के करीब से गुजर सका। चांद की जमीन पर उतरने से पहले ये 36 घंटे तक उड़ता रहा। क्रैश होने से पहले इस यान से 2 महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। पहली कि न तो चांद पर चुंबकीय प्रभाव है और ना ही वहां सौर हवा मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 14 सितंबर दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। परिवार के साथ तीर्थ दर्शन के लिए जा सकते हैं। कारोबार शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय शुभ है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाइयों से सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग आसमानी बसंती तथा निषेध रंग पीला लाल। वृष, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। सोच विचार कर आगे बढ़े। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। घर में अतिथि के आने के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला, काला तथा निषेध रंग पीला व सिंदूरी। मिथुन, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी करने वालों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ेगा। व्यायाम करें, ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। स्थानांतरण के योग हैं। आप आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग हरा लाल।
आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है। सफलता प्राप्ति की संभावना निश्चित है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। आय में वृद्धि होगी। शत्रु परास्त होंगे। परिश्रम को बौद्धिकता का साथ मिलेगा। आपके सोच विचार में गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ व्यर्थता का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग लाल पीला सफेद। तुला, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आ सकते हैं। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे। ऑफिस घर सभी जगह आपके लिए सुख कारक होंगे। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद काला तथा निषेध रंग पीला गुलाबी। वृश्चिक, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। गर्मी लू आदि से बचाव रखें और खान पान का ध्यान रखें। उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्चों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। बाहरी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें। लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग हैं। शुभ रंग बसंती सिलेटी तथा निषेध रंग काहिवा हरा। मकर, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिजन से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है। डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी। करियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। कुंभ, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं। सफलता भी प्राप्त होगी। करियर में अनुकूलता के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला लाल गुलाबी। मीन, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर कोई काम करें। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती स्लेटी तथा निषेध रंग हरा जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी से 0121266888 तथा 0983700600046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे अधिक नई नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।